अस्सलाम वालेकुम, सबा सैयद ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आगे एक नई रेसिपी के साथ, तो आज हम बनाएंगे बकरे की बजड़ी, जिसकी तैयारी मैंने यहाँ कर चुकी हूँ। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये तैयारी करी हूँ। मैंने यहाँ कोथमीर धो के साफ करके रखी हूँ, यहाँ पे तीन कांदे काट ली हूँ, और ये बटाना है जो भिगा के रखी हूँ मैंने। और ये बजड़ी को मैंने अच्छे से साफ करके गर्म पानी में डालकर इसको अच्छे से बॉईल करके इसका पानी, जो गंदा पानी आता है वो फेंक दी हूँ और इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी रखी हूँ, और मेरे पास टमाटर नहीं है इसलिए मैं इसमें दही डालूँगी आधा कटोरी, और ये कुछ गर्म मसाले हैं इसमें, ये है ये लाल मिर्ची है, ये जो मैं घर में गर्म मसाला पीसती हूँ वो है, ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा है, ये हल्दी है। और मेरे यहाँ चावल बन चुके हैं, चावल यहाँ पे मेरे मिक्स बन चुके हैं। और इसमें कुकर में मैंने 4 से 5 चम्मच तेल डाली हूँ। अभी इसमें मैं एक तेज़पत्ता डालूँगी, और इसको पहले कांदा इसमें मैं फ्राई करूँगी। तो अभी हम इसमें पहला एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ, और एक ये दालचीनी डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं ये कांदा डाल रही हूँ। मत दिखावा अभी भी बोलो। तो अभी मेरा ये कांदा अच्छा लाल हो गया है। अभी मैं इसमें जो ये मसाले दिखाई उसमें मैंने नमक कम था तो नमक भी डाल दी। अब ये सब मसालों को मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें मैं बजरी और ये कस्तूरी मेथी ये भी मिला दी। अभी गैस को स्लो करके मैं इसमें ये एक कटोरी जो दही, आधी कटोरी दही ली थी ये डाल दूंगी। इसमें ये वटाने मिला दूंगी। हमारे गांव में वटाने में बनाते हैं इसलिए मैं बोल सकता हूँ, जैसा हम लोग बचपन में देखते थे, मेरी मम्मी जब भी बनाती थी तो ऐसे वटाने डाल के बनाते थे। और हम लोग, मैं एक ही बार गांव गई थी तो मैंने गांव में भी ऐसे ही खाई थी, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं हमारे गाँव के गाँव में बनाते वो हिसाब से बना रही हूँ। उसको वटाने में डाल के बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। अभी इस पर मैं कोथमीर और पुदीना मैं अच्छे से साफ करके रखी थी, धो के काट के रखी थी, ये इस पर मिला दूंगी मैं। और मैं इसको एकदम सूखा नहीं बनाऊंगी और ना इसको सालन की तरह बनाऊंगी, मैं थोड़ा इसमें शेरवा रखूंगी, क्योंकि हम लोग को ये इतनी अच्छी लगती है कि हम लोग इसमें चावल सूखे खाते हैं, तो इसको मैं एकदम सूखा नहीं बनाऊँगी। अभी मैं इसको चालू है ना, तो ये मैंने अच्छे से मसाला मेरा भून लिया। अभी मुझे इसमें जो वटाने डाले वो गलाना है, तो उसके लिए मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी। ये एक गिलास पानी डालूंगी जिसमें मेरे वटाने और वजड़ी दोनों गल जाएंगी अच्छे से, और इसको मैं लगा दूंगी ढक्कन। इसको मैं ढक्कन लगा के इसकी 4 से 5 सीटी करूंगी। तो अभी इसको मैं गैस पास करके, अभी इसको मैं 5 से 6 सीटी होगी उसके बाद मैं खोलूंगी, जब तक के मेरे वटाने भी गल जाएंगे और वजड़ी भी गल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार है, आप लोग देख सकते हैं दस्तरखान लग चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।